दुनिया भर में कोरोना वायरस के खतरे के चलते मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होने वाली मीटिंग्स में सुरक्षा का सबसे बड़ा खतरा रहता है। सुरक्षा और डेटा को सुरक्षित रखने के चलते जर्मनी के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर दिया है। हालांकि गूगल ने भी जूम ऐप को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। सूत्रों के मुताबिक हैंडल्सब्लैट पब्लिकेशन ने जर्मनी के विदेश मंत्रालय के इंटरनल मेमो का जिक्र किया है। इस मेमो में लिखा है, मीडिया रिपोर्ट और खुद की जांच के आधार पर हम इस फैसले पर पहुंचे हैं कि जूम के सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण कमजोरियां हैं और गंभीर सुरक्षा और डेटा प्रोटेक्शन से जुड़ी समस्याएं हैं। गूगल ने भी जूम ऐप को लैपटॉप में इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। हालांकि फिक्स्ड लाइन कनेक्शन के जरिए जूम के डेस्कटॉप वर्जन के इस्तेमाल को लेकर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। इस ऐप के जरिए गोपनीय बातें नहीं की जा सकती क्योंकि ऐप में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन की कमी है। सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए गूगल ने अपने कर्मचारियों के लैपटॉप पर जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। गूगल ने अपने एक बयान में कहा कि उनकी सिक्योरिटी टीम ने कर्मचारियों को जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप को डेस्कटॉप पर चलाने का मना किया है। जूम का इस्तेमाल मोबाइल ऐप्स और ब्राउजर के लिए किया जा सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।